एनी वे, तो 1919 तक का हमने देख लिया। फिर 1919 से 1921 के बीच में क्या हुआ, 1919 के बीच में एक खिलाफत मूवमेंट था। देखो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1919 के बीच में ख़त्म हो गई थी, तो उसमें टर्की भी इन्वॉल्व था, तो टर्की को बहुत ही ज़्यादा पुअरली ट्रीट किया था। अब टर्की जो है आपकी वो कैलिफेट की सीट है। कैलिफेट क्या है, जो वर्ल्ड में मुस्लिम्स जितने भी हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलिफेट, तो इसलिए दुनिया भर के मुस्लिम्स इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स जो हैं इसके अगेंस्ट गुस्साए हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चालू किया था जिसमें खिलाफत कमेटी बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे, तो गांधी जी को मुस्लिम्स भी पसंद करते थे, ये पता चल गया इससे। अब क्या है, गांधी जी ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से परेशान जो हिंदूज़ हैं और खिलाफत मूवमेंट से परेशान जो मुस्लिम हैं, इन दोनों को साथ में लेके एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम शुरू कर सकते हैं जिससे ब्रिटिश को बर्बाद कर सकते हैं। बस तो खिलाफत कमेटी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन, जैसे कि बाद में कांग्रेस ने भी ज्वाइन कर लिया। इसमें क्या था, नॉन कोऑपरेशन मतलब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपके स्कूल्स काउंसिल्स फॉरेन गुड्स इन सबको बाइकआउट करेंगे, नागपुर सेशन में ऐसा हुआ। अब ये बहुत ही अच्छा चल रहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कारण, लेकिन फिर 1922 में एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया जिसमें शायद पुलिस चौकी जला दी गई थी। गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंट थे, उनको ये मज़ा नहीं आया देख के, तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ मैं वापस ले ले रहा हूँ ये मूवमेंट। अब उसमें क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वॉज विथड्रॉन इन 1992 बाई गांधी जी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। 1922 में फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हो गया है, तो जैसे ही इस चीज़ को रोका गया तुरंत गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया कि अब ये दूसरा कुछ ऐसा बड़ा काम ना करने पाए, तो उनको 6 साल तक जेल में रखा गया। तो 1921 से 1927 तक गांधी जी हैं ही नहीं पिक्चर में, प्लस गांधी जी की स्ट्रैटेजी भी यही है कि एक एक्टिव मूवमेंट के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया जाए, तो गांधी जी को ये 6 साल मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे वो फिर चालू कर देंगे इरविन के साथ अपना काम, कि इरविन को अल्टीमेटम देंगे, इरविन नहीं मानेगा तो नेक्स्ट तीर निकालेंगे गांधी जी, सिविल डिसोबीडियंस। तो देखते हैं जब तक गांधी जी जेल में तब तक बाहर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 1921 से 1931 तक तो गांधी जी को कर दिया गया जेल। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कांग्रेस को कि किया क्या जाए, ठीक है, वो डिसएग्रीमेंट में आ गए, दो गुटों में बट गए, एक तो आपके स्वराजिस्ट थे एक नो चेंजिस्ट थे। स्वराजिस्ट जैसे कि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये बोल रहे थे यार कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करते हैं ना, अंदर जाके कुछ करेंगे, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके उनका अपोज करेंगे ब्रिटिशर्स का। और एक थे नो चेंजर्स जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये बोल रहे थे यार गांधी जी बोल रहे थे ना कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, तो बाहर ही कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, मासेस को बिल्ड करते हैं, जैसे ही गांधी जी जेल से वापस आएंगे हम लोग फिर कुछ चालू कर देंगे बड़ा सा मूवमेंट। तो ये था 1924 में क्या हुआ था, गांधी जी को डाला तो 1921 में था शायद जेल में, तो अभी क्या हुआ 3 ही साल बाद, बोला तो 6 साल के लिए था लेकिन 3 ही साल बाद छोड़ दिया, क्यों, गांधी जी की हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब क्या है, अब गांधी जी जैसे ही बाहर निकले उनको ये समझ में आ गया कि दोबारा ना टूट जाए ये कांग्रेस आपकी स्वराजिस्ट और नो चेंजेस में, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया स्वराजिस्ट को अगर काउंसिल में जाके अपोज करना है तो उनको काउंसिल में जाके अपोज करने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 1930 में क्या हुआ कि स्वराजिस्ट क्या हुआ, वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जैसे ही शुरुआत हुई वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो पार्ट ए हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फेज़ में क्या किया जब तक गांधी जी जेल में बंद थे। अब फिर पार्ट बी में क्या है, रिवोल्यूशनरीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, जो कि नॉन कोऑपरेशन की वजह से ठंडे पड़े थे, लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया तो ये रिवोल्यूशनरीज़ फिर से आपके एक्शन में आ गए, ठीक है। ये रिवोल्यूशन जब गांधी जी ने 1922 में ये वापस लिया ना नॉन कोऑपरेशन, तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड यही रिवोल्यूशनरीज थे कि यार ये क्या कर दिया गांधी जी ने, इतना मस्त तो चल रहा था मोमेंट है नहीं वे, तो फिर उन्होंने अपने हाथों में चीज़ें ले ली। अब ये जो रिवोल्यूशनरीज हैं ये स्पेशली यूपी बिहार पंजाब वाला रीजन जो नॉर्थ वाली बेल्ट है ना उसी में ज़्यादा एक्टिव थे। 1924 में फॉर्मेशन होता है एचआरए का, ठीक है। 1925 में क्या होता है, काकोरी रॉबरी केस, ठीक है, कैश वैश लूट लेते हैं ट्रेन से, मतलब ये देख लो ये बिल्कुल मिलिटेंट अप्रोच है, बिल्कुल अपोजिट टू गांधी जी। मतलब आपने वो देखा ना कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद मॉडरेट फेज़ आया 20 साल के लिए 1905 तक, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज़ आया, रिवोल्यूशनरीज एक्टिव हुए, फिर गांधी जी सीन में आ गए। गांधी जी थ्रू आउट नॉन वायलेंस का पाथ लेंगे और गांधी जी के ऑपोजिट एक सुभाष चंद्र बोस हैं और एक ये रिवोल्यूशनरीज़ हैं जो कि क्या करेंगे, वायलेंट फेज़ लेंगे। तो रिवोल्यूशनरीज में वही है, उन्होंने एचआरए का फॉर्मेशन किया, 1925 में काकोरी रॉबरी केस, ट्रेन लूट डाली, 1928 में एचआरए को रीऑर्गेनाइज किया और एचएसआरए का नाम रख दिया, 1929 में क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब भी फेंक दिया भगत सिंह ने। ये शायद भगत सिंह ने इसलिए किया था क्योंकि लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसा दी थी जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा था। तो उसमें क्या था, 1928 में क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय अपोज कर रहे थे तो उन पर लाठियां बरसा दी थी,
ठीक है, तो उसमें लाठी की वजह से लाला लाजपत राय मर गए थे, और लोग बोलते हैं शायद इसी का इसी का बदला लेने के लिए 1929 में फिर भगत सिंह एक्टिव हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब गिरा दिया था, प्लस कोशिश ये भी चल रही थी कि वॉइस राय को, जो चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह ने बॉम्ब उड़ा दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को, चंद्रशेखर आज़ाद सोच रहे थे कि वॉइस राय को ट्रेन को ही उड़ा देते हैं। बट 1931 में क्या हुआ, आज़ाद जी को मार दिया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल में क्या हुआ, 1924 में कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको मारने का अटैम्प्ट चालू हो जाता है। 1930 में सूर्य सेन ने चितगोंग रिवॉल्ट ग्रुप और चितगोंग रॉबरीज, तो ये देखा आपने कितना ज़्यादा रिवॉल्यूशनरीज यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। अच्छा, अभी क्या है, 1927 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो काफ़ी प्लान से वैसे चीज़ें को करते थे, प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी ब्रिटिशर्स की। उन्होंने क्या किया था, मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, फिर साइमन कमीशन भेजी इंडिया में ये देखने के लिए कि जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसका क्या असर पड़ा, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, ये देखने के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर पीएम स्टैनली बॉल्डविन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, बट टू ईयर्स अर्लियर इट वॉज सपोज टू बी सेटअप 10 ईयर्स लेटर टू सी नीड फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। मतलब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कायदे से उसको 10 साल बाद डिसाइड किया गया था कि वो एक कमेटी बना के भेजेंगे ये देखने के लिए कि इस एक्ट के प्रोविजंस में कोई रिफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या, लेकिन इसको 2 साल पहले ही भेज दिया गया साइमन कमीशन को। दिक्कत क्या थी इस कमीशन के साथ कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब वाइट थे, तो फिर इंडियंस गुस्सा आ गए कि भैया आप हमारे ऊपर, मतलब इस कमेटी में आपने किसी इंडियन को रखा ही नहीं जो कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अगेन फिर साइमन कमीशन का अपोजिशन चालू हुआ। 1928 में हुआ क्या, लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई। साइमन कमीशन इंडिया आई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन से मिलने गए, वो बताने लगे कि देखिए डिप्रेस्ड क्लास है, उन पे कितना अत्याचार हो रहा है। फर्दर क्या कहते हैं, उधर से क्या है, लॉर्ड बर्किन हेड सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फॉर स्टेट ऑफ इंडिया कुछ इस तरह से, उन्होंने कह दिया कि इंडियंस में तो इतना दम ही नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, बेवकूफ़ लोग हैं। तो इसमें क्या थे, जो एजुकेटेड मोतीलाल नेहरू जी थे उनके अंडर एक कमेटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट आती है जो कि क्या करती है, हिंदू मुस्लिम सिख और जितने भी यंगर लीडर होते हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, सभी को नाखुश कर देती है नेहरू रिपोर्ट। इनकी कोशिश होती है कि अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार होता है उससे कोई भी खुश नहीं होता, ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना यंगर लीडर्स। तो क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग होती है इंडिया के लिए, जिससे कि खुश नहीं थे। 1929 में क्या आते हैं, जिन्ना आते हैं दौड़ते हुए, बोलते हैं देखो भाई मेरी ये 3 अमेंडमेंट हैं, इसको भी आप नेहरू जी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लो, लेकिन उनके लिए मना कर दिया जाता है। अब मना कर देते हैं तो जिन्ना जी मुझे लगता है थोड़े से ईगोइस्टिक टाइप के होते हैं, वो फिर ईगो पे ले लेते हैं बात को, और फिर वो 14 पॉइंट का एजेंडा बनाते हैं जिसमें फ्यूचर हो मुस्लिम लीग का। शायद यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी, जिन्ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी इस तरह से झल कर दी। एनीवे 1930 में क्या हुआ, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है, पर अब वो रेलेवेंट नहीं रह जाती है। क्यों, क्योंकि अब दूसरे इवेंट इस वक्त इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि उसकी आड़ में साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाओ, नेक्स्ट होता है 1928 से 1935 के बीच। तो इसमें क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें दिसंबर 1928 में क्या होगा, 1 साल का अल्टीमेटम। तो 1928 से 1935 के बीच क्या होता है, दिसंबर 1928 में अब गांधी जी जेल से बाहर निकल आ जाते हैं, तो इस पीरियड में इन 7 सालों में CDM और RTC यानी गांधी जी वापस आ जाते हैं, तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, वो CDM लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले वो 1928 में 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं गवर्नमेंट को, ये बोलने के लिए कि आप एक डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लीजिए वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब 1929 तक जो वाइसरॉय इनविन होते हैं वो इसी बीच बोलते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हमको ज़रूरत है। ठीक है, नवंबर 1929 में क्या होता है कि जो नेशनल लीडर्स होते हैं वो इशू कर देते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो को, जिसमें कि वो अपनी कंडीशन डालते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन ऑर्गेनाइज करना चाहते थे उसमें हम तभी आएंगे अगर आप हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। उन मांगों को लिखा जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो में, लेकिन इरविन जो होते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर देते हैं। तो दिसंबर 1929 में क्या होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन होता है जिसमें कांग्रेस डिसाइड करती है कि वो जो ये फर्स्ट RTC ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इरविन, इसमें वो जाएगी नहीं और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन 26 जनवरी 1913 में क्या होता है, इसको वो सेलिब्रेट करते हैं एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। जनवरी 1930 में क्या है,
अब गांधी जी ने जब बोला था 1928 में, अभी हो गया 1930, तो गांधी जी एक साल का अल्टीमेटम दिए रहते हैं, इसमें अगेन वो 11 डिमांड पुट करते हैं गवर्नमेंट के सामने, लेकिन इसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जब ये से एक साल का ख़त्म हो जाता है, तो फिर 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी CDM की शुरुआत करने के लिए डांडी मार्च ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें कि वो सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं बाई कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम डांडी बीच। 1931 में क्या होता है फिर? अच्छा, अभी इस बीच में क्या हुआ है कि नवंबर से दिसंबर 1930 में, इसमें ऑलरेडी फर्स्ट RTC फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई हुई होती है, जिसमें कि ब्रिटिश को रियलाइज़ होता है कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी इसमें, तब तक कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ से वो गाइड करते हैं, इरविन को ये बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आना ज़रूरी है, तो आप उनको किसी की तरह भेजिए। इसलिए इरविन फिर गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, जिस अब इस पैक्ट में क्या होता है कि कांग्रेस अग्री कर देती है कि ठीक है, हम सेकेंड RTC को अटेंड करेंगे और उसके बदले उनको CDM को विदड्रॉ करना होता है, ये दो चीज़ें वो मनवा लेते हैं। फिर कराची का कांग्रेस सेशन होता है, जिसमें कि दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है और एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है FR पे और इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। तो अब ये सेकेंड RTC जिसके लिए तैयार हो जाते हैं इंडियन कांग्रेस, वो होती है सितंबर 1931 में, लेकिन ये सेशन डेडलॉक हो जाता है ऑन क्वेश्चन ऑफ सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज़। में इंडिया में ही अलग अलग सेक्शंस जो वहाँ पे अटेंड करने गए होते हैं मीटिंग में, वो अलग अलग डिमांड रखते हैं ब्रिटिशर्स के सामने, जिसमें से कोई भी नहीं मानी जाती। 1931 से 1934 में क्या होता है, फिर जब गांधी जी वापस आते हैं तो फिर वो रिज्यूम कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फिर थर्ड RTC ऑर्गेनाइज़ की जाती है 1932 में। अब इसमें क्या है, इसको ना तो अटेंड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, ना ही गांधी जी। फिर अब ये जो तीन RTC हुई, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। फिर अगस्त 1932 में क्या आता है, ब्रिटिश PM जो है वो अवार्ड कर देते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो जाती है। ठीक है, सितंबर 1932 में क्या हो जाता है, जैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है तो गांधी जी इंडेफिनेट फास्ट पर चले जाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को मूव करना, हटाने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को दिया जाता है, उनका ये मानना था कि डिप्रेस्ड क्लास को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा तो हमेशा के लिए अलग ही रह जाएंगे, तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो जब गांधी जी फास्ट पे चले जाते हैं तो BR अम्बेडकर जी को जाना पड़ता है उनको मनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें ये बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलेगा लेकिन रिजर्वेशन दे दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लास को। फिर 1933 से 1934 के बीच में गांधी जी जब इतना कुछ कर चुके होते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें खुद कुछ करना है डिप्रेस्ड क्लास के लिए, तो हरिजन टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। 1935 में आ जाता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब 1934 से 1937, आफ्टर विदड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब ये स्टेज पे डिबेट इस चीज़ पर शुरू हो जाता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो पहला स्टेज ऑफ डिबेट ये होता है कि हाउ शुड नेशनल मूवमेंट बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग फेज ऑफ नॉन मास स्ट्रगल, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि एक बार कुछ एक्टिव स्ट्रगल हो जाए तो उसके बाद पैसिव फेज भी ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है, डिसीजन। तो इसमें डिसीजन ये लिया जा सकता है कि नेशनलिस्ट जो सकते हैं वो जा सकते हैं इलेक्शंस के लिए लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर के अंदर जाके प्रेशर पुट कर सकते हैं। फिर वही 1934 में गांधी जी अपना रेजिग्नेशन बोल देते हैं कांग्रेस में से, और 1935 में आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेस्ड ऑन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। 1937 में सेकेंड स्टेज ऑफ डिबेट चालू होते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है इसको कैसे अपोज किया जाए। तो उसके बाद फिर लखनऊ और फैसपुर सेशन होते हैं, जिसमें कि कांग्रेस डिसाइड करती है कि 1937 का इलेक्शन लड़ेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद 1937 से 1939 के बीच, 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस परफॉर्म पार्टिसिपेट करती है और इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आता है। अलग अलग जगह पे वो मिनिस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन करती है अपनी। फिर दो साल 28 महीने तक कांग्रेस का रूल होता है, जिसमें कई एग्रेरियन रिफॉर्म्स, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स और सिविल लिबर्टीज़ आती हैं। 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं रिज़ाइन करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बात तो ये होती है कि वॉइस रॉय ने इंडिया को इंक्लूड कर दिया होता है World War II में बिना इंडियंस की परमिशन दिए। ठीक है, और दूसरा, वाइस रॉय इस चीज़ पर अग्री नहीं करते हैं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैसिज्म के अगेंस्ट फाइट में कोऑपरेट करेंगे। तो अब वर्ल्ड